उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में तब बड़ा बवाल हो गया जब यहां धौलछिना थाना क्षेत्र में स्थित पेड़साल गांव के शिव मंदिर में एक व्यक्ति अपना धर्म और नाम छुपाकर काफी लंबे समय से रह रहा था। जैसे ही ग्रामीणों को इसका पता चला तो वहां हंगामा खड़ा हो गया। हंगामा होता देख आरोपी व्यक्ति मौके से मंदिर से फरार हो गया। वहीं इस मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने धौलछिना थाने में उक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी को लेकर शिकायत भी की है। ग्रामीणों के अनुसार उक्त विशेष समुदाय का व्यक्ति 3 सालों से शिव मंदिर में रह रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों पहले लोगों को उस पर शक हुआ। इसके बाद ग्रामीणों ने उस व्यक्ति का आधार कार्ड मांगा तो पता चला कि उसका नाम वकील पुत्र खिल्लो, उम्र 42 वर्ष, आगरा यूपी निवासी है। जब तक गांव वाले उससे और अधिक जानकारी मांगते, वकील वहां से मौका देखकर फरार हो गया। ग्रामीणों ने तुरंत मामले की जानकारी धौलछिना थाना पुलिस को दी। वहीं पुलिस गांव में पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को जब मामले की जानकारी लगी तो वो भी धौलछिना थाने में पहुंचे और मामला दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई। तहरीर में कहा कि पेड़साल गाँव के शिव मंदिर में पिछले 3 वर्षों से विशेष समुदाय का व्यक्ति बाबा बनकर रह रहा था। आधार कार्ड में भी व्यक्ति का नाम वकील पुत्र खिल्लो पाया गया है। यह पिछले 3 वर्षों से ग्रामीणों को भ्रमित कर रहा है कि वह एक भजन करने वाला सनातनी है। इससे हिंदू समाज की भावना आहत हुई है। फिलहाल आरोपी व्यक्ति फरार चल रहा है। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।